तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का सॉरी दोपहर का टाइम है, लगभग 3 ही बज चुके हैं और खाना वाना हमारा हो गया था, तो हम बैठ गए थे ऊपर। मैं, मम्मी, ईशु, बच्चे भी थे और गुड्डू के पापा भी, तो यहाँ हम बैठे थे। और आ गई है इंदु। इंदु भी आई थी मम्मी से मिलने गई, क्योंकि मम्मी आज उधर नहीं गई थी। उन्होंने भैया को ही बोल दिया था कि इंदु ही आ जाएगी, उसको लेते आना और बच्चों को। और यहाँ पे मैं सब आ गए थे। वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि मम्मी को सुबह ही जाना है घर, मतलब गांव में। तो फिर मम्मी भी ये सोचती है चलो सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, अगर मैं उधर जाऊंगी फिर आंसू और नहीं जा पाएंगी, और फिर वे यहीं पे आ जाएंगे। तो यहीं पे अपना सारे बैठेंगे, बातें करेंगे आराम से, और यहीं पे ही हमारी बातचीत हो जाएगी, सब इकट्ठे हो गए। तो फिर आ गई थी इंदु, जैसा भैया दोपहर में खाना खुना खाने गए थे तो वे बच्चों को लेके आ गए थे। तो यहाँ ऊपर ही हम बैठे थे, तो वे सब भी ऊपर ही बैठ गए थे क्योंकि धूप अच्छी हो रही थी बैठने लायक। दोपहर से पहले तो थोड़ी तेज हो जाती है, लेकिन इस टाइम अच्छी हो रही थी। तो यहीं पे ही हम 1 घंटे के लगभग बैठे रहे। तो फिर अब थोड़ा सा मौसम ठीक सा हो गया था, कपड़े वगैरह मैंने उतार दिए थे, धोए थे सुबह। तो अब मैं आ गई थी नीचे, मैं क्या सभी आ गए थे, तो यहाँ पे मैंने बना लिया है चाय। और यहाँ पे हमारी बस चल गई है चाय, मम्मी, मैं और इंदु, हम तीनों चाय पी रहे हैं। और फोन भी आ रहा सब, पता नहीं किसका आ रहा, मुझे नहीं पता, वीडियो कॉल आ रही है क्या। तो यहाँ पे हमारी बातें भी चल रही है, फोन पे भी चल रही, वैसे भी चल रही, और अपना चाय भी चल रही। तो मम्मी भी हमारे साथ ही बैठी है और वे उनके साथ भी बातें हो रही हमारी। तो इसी तरीके से बस अपना सब बैठते हैं, आते जाते हैं, कैसे करते रहते हैं कुछ ना कुछ काम, और ऐसे ही चलता रहता है पूरा दिन। तो यहाँ पे बस बात भी चल रही है। तो उसके बाद फिर, बल्कि मम्मी के जाने का था, इंदु कहने लगी कि मम्मी अभी और रह लो, बाद में चले जाना। लेकिन मम्मी आई इसीलिए थी क्योंकि गुड्डू के पापा को जाना है शादी में कल, तो उनमें लेके इसीलिए आए थे कि फिर मतलब मेरे साथ ही मम्मी उधर से आ जाएगी, फिर अकेले नहीं भेजे जाते, आपको पता ही है भाई, देखो आजकल कितना रिस्क है भेजने में, और फिर बार बार भी नहीं जाया जाता। तो फिर इसीलिए वे कह रहे थे कि मम्मी मैं आऊँगा तो मेरे साथ ही वापस आ जाना। फिर मम्मी कह रही थी कि मैं तो इसीलिए आई कि अरविंद को आना था, वरना तो मेरा टाइम मतलब था नहीं अभी आने का, मैं तो बाद में आती। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, 3-4 दिन जितने भी रहे कम से कम अपने बच्चों से मिल लिए, सबसे हम सबसे बातें हुई तो अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखे दोस्तों, सारे बच्चे आ रहे पूरे ही और कह रहे हैं ये पॉपकॉर्न बनाने के लिए। तो अभी अभी मक्की के दाने मंगाए, पॉपकॉर्न बना दो इनके। हम तो कह रहे हैं मक्की के दाने भून दूँ, तो इनके लिए मक्की के दाने भून दूँ मैं थोड़े से। हैं, किसे किसे पसंद है? कृष्णा को भी पसंद है क्या? ना डला रहा, बनते ही दूर थे या खां पसंद है, तो इनके दाने बना दो जी। तेरे भी दाने बनाऊँ क्या? तेरे भुन्नू दाने पॉपकॉर्न, और किस किस के? चाट मसाले के साथ। अच्छा, और पियो को भी पसंद है और रोई को भी। तो अभी मैंने ये ले लिए ताने, इसमें नमक डाल दूँगा, घी डाल दूँगा थोड़ा सा, और इसमें बस सिट्टी निकाल के इसे ढक्कन लगा दूँगा इसका, और थोड़ी सी देर में पॉपकॉर्न तैयार। तो यहाँ पे देखिए ये भूनने लगे हैं मक्की के दाने, इन्होंने डाल लिया इसमें जो भी सामान था, तो अब ये कर देंगे इनको फ्राई। तो अभी अपन के पॉपकॉर्न उसके हिसाब से तो बड़े नहीं बने, वैसे जल सी भी गए और जनो कच्चे भी रह गए, पता नहीं क्या हिसाब बना। हाँ पहले काट दी। तो जी ये बन गए पॉपकॉर्न, और पॉपकॉर्न हो गए तैयार, आ जाओ खा लो आप भी। लो ले जाओ दोनों डब्बे पकड़ो। ओ
और अब है देखिए शाम का टाइम यहाँ पे। अब पूजा पाठ मैंने कर लिया, दिया बत्ती लगा दिया, अब मैं करने लगी हूँ शाम के खाने की तैयारी। दोपहर में मैंने कढ़ी चावल बनाए थे जैसा आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे। अब शाम का टाइम तो मम्मी तो ना भी कर रही थी कि रहने दो क्या बनाओ, कढ़ी रखी वही खा लेंगे, लेकिन मुझे लगा मन का नहीं कभी नुकसान दे, क्योंकि कई बार हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं बनाने में। मम्मी को भी था कि नहीं चलो रखी है कढ़ी यही खा लेंगे, क्या बनाएगी परेशान होगी रोटी सेक ले, लेकिन मुझे नहीं का मैंने ली थी लौकी दोपहर के टाइम सब्जी ली थी तो उनमें लौकी भी ली थी, तो मैंने सोचा नहीं थोड़ी सी लौकी बना लेती हूँ, कड़ी जो खाएगा खा लेगा बाकी लौकी खा लेंगे, क्योंकि कई बार ये चीज़ें नुकसान देती है, मम्मी को भी थोड़ा नुकसान ही देगी शाम के टाइम, और गुड्डू के पापा भी शाम को कड़ी वगैरह कम खाते हैं। तो यही था, मैंने कहा वगैरह चलो जो भी जिसको ठीक लगेगा वो उसी हिसाब से खा लेगा, तो फिर मैंने लौकी बना ली। तो यहाँ देखिए लौकी में लगा दिया तड़का, और उधर दूसरी कढ़ाई में मेरी कढ़ी रखी है उसको भी फिर मैं गर्म कर दूंगी, साथ साथ अपना खा लेंगे जिससे जो भी, और बच्चे भी यहीं पे, इंदौर भी यहीं पे ही हैं, क्योंकि भैया अभी नहीं आए थे दुकान पे से, वो बोल भी रही थी फ़ोन करके कि आ जाओ, लेकिन वही है देखो काम तो होते ही हैं तो थोड़ा लेट ही आए थे। तो यहाँ पे मैं बस फिर सब्जी बना ली थी मैंने, और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी। फिर मैंने इंदु को बोल दिया, मैंने कहा तू सबको दे दे, बच्चों को भी मम्मी को भी, मतलब सभी जितने भी है मैं बनाती जाऊँ और सबको दे दे। तो वो आ गई है, अब वो देगी सबको खाना लगा के, और मैं बनाती जाऊँगी, जो भी जिसके साथ खाएगा कढ़ी के साथ खाएगा कढ़ी के दे देगी, लौकी के साथ खाएगा लौकी के। और आजकल बच्चे लौकी वगैरह खाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बल्कि गुड्डू खा लेती है, गुड्डू को लौकी की सब्जी अच्छी लगती है, ईशु तो बिल्कुल नहीं खाती, प्यूर हुई किसी ने नहीं खाई, बस गुड्डू ने खाई, इसके पापा ने खाई और इसकी माँ जी ने, और बच्चों ने सब ने खाई है कढ़ी और रोटी। तो यहाँ इंदु सबको पूछ रही है कि किसको क्या देना, उसी हिसाब से फिर पूछ के दे देगी। और इधर मैंने इसमें पानी रखा था गर्म करना, पता नहीं, हाँ इसके डैडी भी आ गए थे, मतलब पीयू के डैडी नीरज भैया, तो वे ले रहे थे गर्म पानी, तो इसमें रख दिया मैंने करने के लिए, मगर चलो इसमें हो जाएगा। और आप सब भी बोल रहे थे कि जो ये केतली ली है आपने इसमें चाय मत बनाना, तो मैंने चाय नहीं बनाई, सिर्फ मैं इसमें पानी गर्म करती हूँ, और बहुत फ़ायदा है, फटाफट से हो जाता है, बर्तन भी गंदे नहीं होते, मतलब बार बार नहीं उठाने पड़ते। और कई बार तो मैं ऐसा एक केतली भर के रख लेती हूँ गर्म करके, वो भी एक दो घंटा आराम से चल जाता है। और अब तो खैर गर्म पानी पीने की इतनी ज़रूरत नहीं, मौसम अच्छा हो रहा, लेकिन फिर भी जैसा कोई पीता है, जैसा गुड्डू के पापा ज़्यादातर पीते हैं पानी गर्म, हम तो नॉर्मली पी लेते हैं, तो फिर उसमें से ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस दोनों बहनें लग रही हैं अपना, मैं सेक रही हूँ रोटी और वो दे रही है सबको खाना। तो ये बैठ गए थे, इसके चाचू भी आ गए थे दुकान से, तो बस साथ साथ गुड्डू के पापा भी, गुड्डू की माँ जी भी, चाचू भी, तो सभी बैठे हैं, बच्चों को भी दे दिया है उसने। और यहाँ पता नहीं, हाँ भाभी की वीडियो कॉल आ रही थी, मतलब मेरी भाभी की, तो उनका शायद कुछ फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो गुड्डू देख रही थी, तो फिर उसको भी नहीं पता चला, तो फिर उसकी मतलब इंदु देखने लगी कि क्या हो रहा, तो वो उसे भी देख रही है और खाना भी दे रही है। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों माँ बेटों की बातें भी चल रही है, बच्चों को भी दे दिया इंदु ने खाना, बच्चे सब अंदर ही खा रहे, और ये खा रहे थे बाहर, कन्हैया अभी नहीं आया था क्योंकि वो थोड़ा लेट आता है, और ये इनको जाना है तो भैया बस अपना खा के चले जाएंगे, तो ये सब खा लेंगे, उसके बाद फिर मैंने और इंदु ने भी खा लिया था खाना, और उसके बाद अब है इनके बस जाने की तैयारी। तो फ्रेंड्स खाना हमारा हो गया है सबका, और बस टाइम 9 ही बजने वाले, अब करती हूँ लेटने की तैयारी, बिस्तरे वगैरह लगाऊंगी, और सुबह बच्चे भी स्कूल जाएंगे और मम्मी और इसके पापा ये जाएंगे गांव में, कन्हैया भी जाएगा, कल देखते हैं जैसा भी कौन कौन जाएगा सुबह ही पता चलेगा। और यहाँ पे मैंने, इसके पापा ने तो अपनी पैकिंग कर ली, बैग वगैरह पैक करके रख दिया, कपड़े लगा दिए, और इधर मम्मी का भी बैग मैंने कर दिया पैक, ये रखा है जो सूट थे इनके, दो ही सूट लाई थी मैं, तो दो तीन तो वो रख दिए मैंने। और बस मम्मी भी अभी थोड़ी देर बातें करेंगे मम्मी के साथ बैठ के, और फिर लेटेंगे, अभी तो कन्हैया भी नहीं आया, 10 बजे तक आवागा वो, तो 9:30-10 बजे तक। बस खाना सबने खा लिया, वे भी चले गए उधर, और कन्हैया की वेट है, तो
मुझे थोड़ा सा काम करना, बस बच्चों की ड्रेस प्रेस करनी, उनकी नहीं हुई अभी, मैं करके दूंगी फिर सुबह ही ना, जल्दी 7:30 बज जाए इस टाइम ही कर दूंगी। तो जी बस अब वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।